Hello everyone, I hope you all are fine. In this video, we will do question number 2, exercise 4.3, chapter 4, quadratic equation, class 10. So, in this video, we are going to do question number 2, that is based on the quadratic formula. So, first of all, we will learn what the quadratic formula is. So, let's begin. First of all, क्वालिटी की इक्वेशन यू नो वट द क्वालिटी इक्वेशन इज सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वालिटी की इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेर इज नॉट इक्वल टू जीरो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वालिटी इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो जहाँ एक् जीरो का इक्वल नहीं होता है अगर ए जीरो हो जाता है देन ये होल टर्म फर्स्ट टर्म जो आपकी जीरो हो जाएगी और हमें क्या जिमाइंडर हमारे पास क्या रह जाएगा बी एक्स प्लस सी दैट इज ए ल लीनियर इक्वेशन सो so, देखिए यही कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है सो so दैट हमें क्वालिटी इक्वेशन मिल जाए अदरवाइज ये जीरो हो जाता है तो हमें क्वालिटी इक्वेशन नहीं मिलेगी सो नाउ वेयर आप देख सकते हैं ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स जो आपका ए कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायेर है बी आपका कॉफिशेंट ऑफ एक्स है एंड सी इज द कॉन्स्टेंट टर्म सो ऑल आर रियल नंबर्स इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो बट ए कांट बी इक्वल्स टू जीरो so now the quadratic formula the real roots of quadratic equation that is ax square plus bx plus c equals to 0 can be given by the formula that is x equals to minus b plus minus under the root b square minus 4ac where b square minus 4ac is greater than इक्वल टू जीरो आप देख सकते हैं यही आपका क्वालिटिक फॉर्मूला है सो एक्स इक्व टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए सो वेयर फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये जो आपका टर्म है अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट के अंडर है ये टर्म आपकी जीरो हो सकती है या ग्रेटर देन जीरो रहेगी फॉर रियल रूट सो नाव

बी माइनस सेवन एंड सी दट इज क्वेश्चन टर्म इज थ्री सो ना बाई यूजिंग क्वालिटी फॉर्मूला दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉइंट टू ए सो ना पुट ऑल द वैल्यूज हेयर इन द फॉर्मूला सो यू विल गेट एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस सेवन देखिए भी आपका माइनस सेवन है सो आप ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे सो माइनस ऑफ माइनस सेवन प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर दैट इज माइनस सेवन स्क्वायर माइनस फोर ए सी देट इज 4 into a we have 2 and c as 3 so 4 into 2 into 3 upon 2a that is 2 into 2 so now simplify this solution so you will get x equals to 7 plus minus 49 minus 24 upon 4 so you to simplify kareenge. so we will get x equals to 7 plus minus under root 25 upon 4 and you know 25 square root will be 5 so we have x equals to 7 plus minus 5 upon 4 so x will be either equals to 7 plus 5 upon 4 or x equals to 7 minus 5 upon 4 so 7 plus 5 becomes 12 12 by 4 this will be 3 and here x equals to 2 by 4 that is 1 by 2 so I get two roots x equals to 3 and x equals to 1 by 2 so thus x equals to 3 and 1 by 2 are the roots of given quadratic equation so this is all about part number one you can pause the video and note it down so now proceed for part number two in the part number 2 we have given quadratic equation is 2x square plus x minus 4 equals to 0 so you can write it as given quadratic equation is 2x square plus x minus 4 equals to 0 so here coefficient of x square that is a equals to 2

वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू माइनस फोर अपॉन टू ए सो आपको क्या मिल जाता है माइनस वन प्लस माइनस द रूट वन प्लस थर्टी टू सो दिस विल अंडर रूट थर्टी थ्री सो माइनस वन प्लस माइनस रूट थर्टी थ्री अपॉन फोर ये हमें मिल जाता है सो इंप्लाइज आइर एक्सक्लूस टू हमें क्या मिल जाएगा माइनस वन प्लस अंड्रोड थर्टी थ्री अपॉन फोर और माइनस वन माइनस हंड्रोड थर्टी थ्री अपॉन फोर दिस आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द क्वाडिटी कीक्वेशन सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर टू यू कैन पॉज द वीडियो एंड नॉट इट डाउन So now proceed for part number three, that is the quadratic equation is four x square plus four under root three into x plus three equals to zero. So given quadratic equation is four x square plus four under root three into x plus three equals to zero. So here the coefficient of x square is four, that is a equals to four. Coefficient of x is four under root three, that is b equals to four under root three, and constant term is three, that is c equals to three. So now.

इन टू फोर रूट थ्री आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फोर फोर सिक्सटीन एंड रूट थ्री स्क्वायर एंड नाउ यू नो स्क्वायर स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल्ड सो सिक्सटीन थ्री जब फोर्टी एट हमें क्या मिल जाता है फोर्टी एट मिल जाता है सो फोर हंड्रोड थ्री स्क्वायर बिकम्स फोर्टी एट माइनस फोर फोर जब सिक्सटीन थ्री जब फोर्टी एट दिस विल भी आल्सो फोर्टी एट सो फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट जीरो एंड जीरो स्क्वायर रूट बिकम्स जीरो हमें जीरो मिल जाता है सो so, रूट क्या मिलेंगे हमें आइर हम कह सकते हैं आइर एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर इंडू थ्री प्लस जीरो अपॉन एट दैट इज दैट विल बी माइनस फोर इंडू थ्री अपॉन एट और दिस विल बी माइनस फोर इंडू थ्री अपॉन टू अनदर रूट क्या होगा और यू कैन से माइनस फोर इंडू थ्री माइनस जीरो अपॉन एट एंड दिस विल बी माइनस फोर थ्री अपॉन एट एंड दिस विल बी सेम दैट इज माइनस अंडो थ्री अपॉन टू सो दस द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल एंड दैट इज माइनस अंडो थ्री अपॉन टू एंड माइनस अंडो थ्री अपॉन टू सो दिस इज ऑल अबाउट part number 3 you can pause the video and note it down so now proceed for part number 4 that is the quadratic equation is 2x square plus x plus 4 equals to 0 so have given quadratic equation 2x square plus x plus 4 equals to 0 here coefficient of x square is 2 that is a equals to 2 coefficient of x is 1 so b equals to 1 and constant term is 4 that is c equals to 4 so now by using quadratic formula that is x equals to minus b plus minus under the root बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए हमें रूट्स मिल जाते हैं सो दैट पुड ऑल द वैल्यूज हेयर इन द फॉर्मूला सो यू विल गेट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर दैट इज वन स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज फोर इंटू ए वी एव टू एंड सी वी एव एस फोर सो आप देखिए सिंप्लीफाई करते हैं क्या मिल जाता है माइनस वन प्लस माइनस अंडर द रूट वन माइनस थर्टी टू फोर टू जै एट एट फोर जो थर्टी टू सो वन माइनस थर्टी टू अपॉन टू टू जे फोर सो हमें मिल जाता है सो एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट माइनस थर्टी वन अप फोर सो आप देख सकते हैं थर्टी वन दिस इज़ नॉट ए रियल नंबर सो आप कह सकते हैं हेयर रूट माइनस थर्टी वन इज नॉट ए रियल नंबर सो दैट दिस रूट्स आर नॉट रियल रूट्स सो हम कह सकते हैं हेयर नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वालिटी इक्वेशन के लिए रियल रूट्स नहीं एग्जिस्ट करते ये हमें क्या देगा इमेजनरी रूट्स देगा जो कि हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास एलेवन में पढ़ने वाले हैं सो हेयर यू कैन से नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द गिवन क्वालिटी इक्वेशन सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन मे टू सो इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन थैंक्स फॉर वॉचिंग